हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग प्यार से एओडी भी कहते हैं, जो कि बच्चों क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पार्ट वन का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के हर एक जेईई के पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट 4 to 5 ईयर से बच्चों इस फील्ड में है और देख रहे हैं कि हर एक ईयर क्या होता है कि सेम ही कंसेप्ट सेम ही टॉपिक पे क्वेश्चन आता है जेईई के पेपर में, बस बच्चों वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों हम लोगों ने एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट वन वीडियो लाए थे, उसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। साथ में बच्चों ये वाला वीडियो जो हमारा वो पार्ट टू है। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हो, उस वीडियो को भी देख लेना बच्चों, बाकी इस पार्ट टू के वीडियो को भी पूरा देख लेना। दिस टू वीडियो आर सफिशिएंट फॉर जेईई 2023 फॉर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये दो वीडियो आप लोगों को देखना है, बस सफिशिएंट है। नो इशू कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता एओडी के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रिगार्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन दो वीडियो को देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको समझो, ध्यान से समझो। साथ में बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं। ठीक है, दो वीडियो को देख लोगे, ध्यान से समझ लोगे, इन्हीं कांसेप्ट पे बच्चों जेईई मेन 2023 के पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो आज के इस वीडियो में हम लोग एओडी के पार्ट टू के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। काफी सारे क्वेश्चन हमने लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं पहले उसको हम लोग समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद बच्चों इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन सभी से पहले बच्चों, आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों आपके जन्मे चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। अभी से लेकर के आप लोगों के फर्स्ट जॉब कर्स तक के सारे कंटेंट यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चाहे बच्चों आप लोगों के एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात कर लो, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात कर लो, या फिर बच्चों एग्जामिनेशन होने के बाद जाकर के आप लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो काउंसलिंग के प्रोसेस में भी ये चैनल काफी हेल्प करेगा आप लोगों का। ठीक है, लास्ट 4 to 5 ईयर से आप लोगों के बच्चों जितने भी सीनियर हैं सबका ये चैनल हेल्प कर रहा है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट बच्चों आप लोगों को हर एक IITs NITs में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज योर टर्न। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों, टॉपिक हमारा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर जेईई 2023 के रिगार्डिंग। पहले हम लोग कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। जीरो टू हीरो लेवल सीरीज है, यानी कि अगर आप जीरो लेवल पे हो, नो इशू, इस वीडियो को देखने के बाद हीरो लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है बच्चों किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, एओडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेन 2023। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे, उसी टॉपिक पे आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं और उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैंड है, ठीक है, सैंड को हम लोग पोर कर रहे हैं, ठीक है ना, एक पाइप में। देखो बच्चों 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या है, dv/dt, यानी कि वॉल्यूम जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, वो जो हमारा सैंड है वो क्या बना रहा है, कोन बना रहा है ग्राउंड पे, ठीक है ना, और हमारा हाइट जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। तो बच्चों ये बताना है कि हाइट जो है वो किस रिस्पेक्ट से इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम है, हम लिखेंगे कि भाई हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। तो गिवन बच्चों ये दे रखा है कि dv/dt, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, सिंपल है बच्चों, ठीक है ना, कौन बना रहा है ये बात आपको याद रखना है कि कौन बना रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट मान लो कि एच है हमारा, ठीक है, हाइट जो है वो हमारा क्या है 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि हमारा रेडियस का जो है वो 1/6 है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, यही कह रहा है ना कि हाइट जो है क्या हमारा 1/6 ऑफ द रेडियस है। ठीक है, सिंपल से है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, r = 6h लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट की भी वैल्यू दे रखा है, दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। निकालना है बच्चों हमें कि हाइट जो इंक्रीज कैसे हो रहा है, यानी कि आप लोग कह सकते हो dh/dt हमें निकालना है, यानी कि हाइट में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वी नो दैट बच्चों, हमें पता है, हमें क्या पता है अभी बताएंगे आपको, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आप सभी को पता ही होगा कि 1/3 πr² h होता है। ठीक है, हमने रेडियस ऑफ द कोन को कैपिटल R मान लिया है और हाइट ऑफ द कोन को कैपिटल h मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल में भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, हम कन्वर्ट कर देते हैं, सिर्फ सिंगल वेरिएबल बनाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, π/3 कर सकते हो। अब देखो बच्चों R को 6h लिख सकते हो। ठीक है, सो r² के बदले हम लोग 6h का होल स्क्वायर लिख देंगे इनटू h as it is। ठीक है बच्चों,
अब वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 3 इनटू कितना हो जाएगा 36h² इनटू h हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 3 इनटू बच्चों 36 इनटू h³ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमें dv / dt दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट मारते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोग लिख दोगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि dv / dt हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बच्चों, पाई बाय 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसको जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 36 तो एज इट इज हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3h² इनटू dh / dt आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 12, यानी कि बच्चों ये जो है हमारा वो 12 के इक्वल हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा होगा, इससे ये कट जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि 3π इंटू h² dh / dt इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों आगे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, dh / dt इज इक्वल टू 1/3π into h². ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, इसके ऊपर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखो dh / dt इज इक्वल टू 1/3π h की वैल्यू अगर आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा हमारा ना। अब देखो h की वैल्यू हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो h² का मतलब क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा आप लोगों का, 1/3π into 4² 16 हो जाएगा, यानी कि 1/48π, और यही बच्चों आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है ना, तो हाइट जो हमारा dh / dt है, यानी कि हाइट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा 1/48π है। ठीक है ना बच्चों, नाउ चेक दी ऑप्शंस की कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो ऑप्शन ए देखा 1/20π जो कि सही नहीं है, ऑप्शन बी 1/30π जो भी सही नहीं है बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1/48π। ठीक है बच्चों, तो होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया है, क्या कांसेप्ट लगा है। अब देखो बच्चों इस कांसेप्ट पे आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं पेपर्स में। ठीक है, बाकी बच्चों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। काफी सारे बच्चों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वहां पे हम लोग शेयर करते रहते हैं। बाकी बच्चों अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तभी आप लोग वहां पे मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन सा कांसेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन उस सभी से पहले बच्चों हमें बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, लेकिन बच्चों जितना है वो सफिशिएंट है, तो इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू निकालना है, फॉर व्हिच y की वैल्यू हमें ये दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि बच्चों ये जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x की वैल्यू हमारा क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखो y की वैल्यू हमें ये दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यही है बच्चों, है ना, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन से हमें समझने में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बच्चों आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो dy/dx, अब डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता है तो पार्ट 1 में मैंने बताया है, वहां आप लोग देख लो, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे नीचे आ जाएगा, फिर भी एक बार बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि x की पावर n है तो हमारा n नीचे आ जाएगा, डॉट x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो भी पावर होता है नीचे आ जाता है और x का जो है पावर में से एक कम हो जाता है। साथ में बच्चों जो हमारा ये होता है इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो वही हम लोग यहां पे लगाएंगे कि 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 × x, x - 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1। ठीक है, सिंपल है। अब देखो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ये जाएगा हमारा, तो क्या आएगा हमारा, x² - 2x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 2x - 2 हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू बच्चों 2 यहाँ से कॉमन ले लो, यानी कि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, और बच्चों यहाँ पे हमारा बचेगा x × x - 2। ठीक है, दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 4
x माइनस वन इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफ्रेंशिएट निकाल लेंगे। डिफ्रेंशिएट निकालने के बाद उसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं, यानी कि बच्चों हमारा अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फोर x माइनस वन एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, x माइनस वन भी जीरो के इक्वल होगा, x भी जीरो के इक्वल होगा और x माइनस टू भी जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू वन आ जाएगा, x की वैल्यू जीरो आ ही गया है और x की वैल्यू टू आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा होगा डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करना होता है, ठीक है। सिंपल बच्चों नंबर लाइन बना दोगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारा टू है, ठीक है। तो सबसे पहले टू आएगा, उसके बाद वन आएगा, उसके बाद जीरो आएगा, ठीक है। इधर कहीं बच्चों हमारा इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं बच्चों हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है, यहां पर हम लोग x का देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो यहां पे भी हमारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो जो भी आएगा वो हमारा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखना है बच्चों, ये जो वैल्यू हमारा आया है, ठीक है, ये कितने टाइम आया है। टू जो हमारा सिर्फ एक बार आया है, ठीक है, वन भी हमारा सिर्फ एक बार आया है, जीरो भी हमारा एक बार आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये हमारा ऑड होता है तो उस केस में साइन चेंज होता है, और जब इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वन है, यानी कि ये ऑड है, साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर ऑड है यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऑब्वियसली बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि वहां पे हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि जहां जहां प्लस है वो सब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जहां जहां माइनस है वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, सो f ऑफ x हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब होगा इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों, ये और ये, इस रेंज में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि क्या हमारा 0 से लेके 1, साथ में ये भी यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है, इसमें हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है बच्चों। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करता है ये, तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता, इसमें और इसमें होता, ठीक है। यानी कि बच्चों माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 1 से लेकर 2, ठीक है, सिंपल है बच्चों। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालनी है बच्चों, जब हमारा ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यानी कि कंडीशन ये है तो एक्स की वैल्यू हमारा यही होगा। देखो क्या है, 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। सो नाउ चेक दी ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। जहां पे हमारा प्लस आएगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा, जहां पे हमारा माइनस आएगा वो हमारा डिक्रीजिंग होगा। प्लस माइनस कैसे करोगे, यहां पे हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट देख करके, ठीक है, देखेंगे। अगर ऑड टाइम आ रखा है तो हमारा साइन चेंज होगा, अगर इवन टाइम है तो साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये 2 की वैल्यू हमारा 2 आ जाता, ठीक है, यानी कि 2 टाइम आ जाता है ना, 2 की वैल्यू 2 आ जाता, ठीक है, तो इवन होता, तो यहां पे प्लस है तो यहां पे भी हमारा प्लस ही होता, ठीक है। सो होप सो ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वाकई काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को 100% जेईई 2023 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कांसेप्ट समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग रीड करते हैं एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ठीक है ना। कोन का बच्चों वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट दे रखा है, और कोन जो है वो स्फीयर के अंदर इनस्क्राइब है, यानी कि अंदर है, ठीक है, स्फीयर के अंदर कोन है, ठीक है ना। और बच्चों स्फीयर का रेडियस हमें जो है गिवन है r है कैपिटल, ठीक है, इज x बाय y टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देन द वैल्यू ऑफ x बाय y, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कोन है उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट है, ठीक है ना, वो जो स्फीयर के अंदर है, स्फीयर का रेडियस हमें r दे रखा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो है वो x बाय y टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो हमें x बाय y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलता ही है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बच्चों में क्या क्या गिवन है, यानी कि क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है स्फीयर का रेडियस, ठीक है। सो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दे रखा है कैपिटल आर, ठीक है, और ये कह रहा है कि कौन का वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, तो हमें एक्स बाय वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब देखो डायग्राम पहले बना लेते हैं, क्या कह रहा है, स्फीयर के अंदर जो हमारा कोन है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, स्फीयर आप लोग कुछ इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हमारा कोन दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चों हमारा कोन दे रखा है, तो देखो बच्चों इस तरीके से हमारा ये स्फीयर दे रखा है, ये हमारा अंदर कोन है, ठीक है ना। अब देखो कुछ वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें गिवन है, ठीक है। हमें पता है कि हाइट ऑफ कोन वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, इसे हम लोग ए कह देते हैं, इसे हम लोग बी कह देते हैं, इसे हम लोग सी कह देते हैं, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस हम लोग यानी कि ये होगा पूरा, है ना, यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है ना। हाइट ऑफ कोन बच्चों आप लोगों को पता ही है कि ये हमारा पूरा ये होगा, ए बी होगा, है ना। तो यहाँ एक काम करो, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, है ना, ये हमारा हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच है, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया है। अब देखो बच्चों हमें रेडियस ऑफ स्फीयर तो दे रखा है, गिवन है ना। तो रेडियस ऑफ स्फीयर मान लो कहीं यहाँ पे हमारा बीच में है, ठीक है ना, सेंटर है, तो यहाँ से बच्चों ये हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है, जो कि हमारा कैपिटल आर होगा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ से लेकर ये सेंटर तक जो है ये भी हमारा, मान लो इसको हम लोग सी कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी वैल्यू बच्चों हमारा आर होगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो जो हमारा ए बी है, यानी कि ए बी हमारा क्या है, हाइट है, हाइट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी को इतना प्लस इतना, ठीक है, यानी कि बच्चों ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी हमारा टोटल क्या है, हाइट है, ठीक है, और ए बी जो होगा वो ए सी प्लस बी सी होगा, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यानी कि हाइट इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आर है, लेकिन बी सी की वैल्यू नहीं है, तो इसे हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा होगा, तो देखो ट्रायंगल सी बी डी में, ठीक है, पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होगा, हमारा सी डी होगा, जो कि हमें दे रखा है आर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे, बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी सी डी हमें दे रखा है बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से बच्चों बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इधर चला गया, ठीक है। बी सी के बच्चों वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, यानी कि अगर हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें इक्वेशन वन में, तो हाइट हमारा आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन आ जाएगा हमारा आर प्लस बी सी है बच्चों, है ना, और बी सी की वैल्यू ये है हमें, यानी कि अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो हाइट ऑफ कोन बच्चों हमारे पास आ चुका है, ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, कोन का वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है ना। तो नाउ सॉल्व करते हैं बच्चों, हमें पता ही है ना, वी नो डेट, क्या हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है बच्चों, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन अपॉन में थ्री पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर हमारा क्या, स्मॉल आर है, आर स्क्वायर, और एच क्या हमारा स्मॉल एच है, ठीक है। अब देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन बाय थ्री पाई इंटू, अब देखो कि यहाँ पे तो बच्चों दो वेरिएबल दे रखा है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कोन है बच्चों और हाइट ऑफ कोन है, दोनों वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों लार्जेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके लिए बच्चों हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा गिवन है, जो दे रखा होता है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि बच्चों कैपिटल आर जो हमारा कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर तो है ही हमारा रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है, हाइट ऑफ कोन की वैल्यू हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ बच्चों, इससे ये हुआ कि देखो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर तो हमारा कॉन्स्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वो हमें गिवन दे रखा था, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर ही वेरिएबल है, यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इसमें है, जो कि हमारा स्मॉल आर है, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई अपॉन में थ्री, इसको अंदर लेके चले जाओ, ठीक है बच्चों, इनटू अंदर जाएगा तो हमारा आर इनटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमारा लार्जेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हमारा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा लगेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे लगता है, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि हमारा वेरिएबल होगा, यानी कि स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों, यानी कि वी डेस कर देंगे और स्मॉल आर कर देंगे इज इक्वल टू पाई अपॉन में थ्री एज इट इज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसको देखो स्मॉल आर हमारे जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा आर एज इट इज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा
टू आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ये तो हो गया हमारा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट रूल रहेगा। प्रोडक्ट रूल हमारा ये कहता है बच्चों कि फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले वाले को छोड़ देंगे दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं बच्चों, पहले वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि इसको छोड़ दिया है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों आएगा टू टाइम्स ऑफ रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बच्चों, तो ये तो जीरो होगा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखो इसके बाद बच्चों, सेकंड एंट्री फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये एंट्री होगा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा टू आर इंटू रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं, और फिर जाके इसको हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखो बच्चों सुंदर कैसे हम लोग बनाएंगे, तो वीडियस ऑफ आर इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। ठीक है बच्चों, अब देखो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सो एलसीएम आ जाएगा हमारा बच्चों, इससे देखो टू से टू तो आपस में सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सो बच्चों देखो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, टू आर इंटू स्मॉल आर अंडर रूट बच्चों आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज होगा। ठीक है, माइनस आर क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हो जाएगा, और माइनस को हमने बाहर ले लिया। ठीक है बच्चों, प्लस देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, टू आर आ जाएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि बच्चों आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो हमारा वीडियस ऑफ आर इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। ठीक है, ये हमारा एस डीज रहेगा टू आर इंटू स्मॉल आर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, ये हमारा ओपन हो जाएगा, यानी कि प्लस टू आर स्क्वायर स्मॉल आर माइनस टू आर क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से कोई सॉल्व हो रहा है क्या हमारा, तो बिल्कुल ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, इसके आगे हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्पेस तो आगे है नहीं, तो एक काम करते हैं बच्चों यहां से इरेज करते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा, बाकी आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लो, आगे इरेज करके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों इसके बाद हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं, यानी कि बच्चों वी डैस ऑफ आर इज इक्वल टू पाई बाय थ्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा एज इट इज होगा, यानी कि टू आर आर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर क्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब देखो ये हमारा क्या है, अच्छा एक काम करो, देखो आर क्यू और टू आर क्यू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करके माइनस थ्री आर क्यू लिख देंगे, और फिर बचेगा हमारा ये, यानी कि प्लस टू आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, डिवाइडेड बच्चों अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम लोग जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों इस वैल्यू को हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो काम करते हैं पुट करते हैं। तो देखो बच्चों अगर पुट करोगे तो क्या आएगा हमारा, टू आर आर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस थ्री आर क्यू प्लस टू कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर है बच्चों अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तो गया जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ बच्चों ये बचेगा। अब एक काम और करते हैं, इन सबको लेके चले जाते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, यानी कि टू आर इंटू स्मॉल आर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थ्री आर क्यू माइनस टू आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारा, देखो फोर आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, यानी कि बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि नाइन आर की पावर सिक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि फोर आर की पावर फोर हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर होगा माइनस टू ए बी। ठीक है, तो थ्री टू या सिक्स टू या ट्वेल्व और ए बी यानी कि ये इंटू ये, तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू ये क्या हो जाएगा, आर की पावर फोर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करो। ठीक है बच्चों, सो इसको इससे करोगे यानी कि फोर आर की पावर फोर आर स्क्वायर माइनस इसको इससे करोगे यानी कि फोर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर फोर। ठीक है, इज इक्वल टू नाइन आर की पावर सिक्स प्लस फोर आर की पावर फोर आर स्क्वायर माइनस ट्वेल्व आर स्क्वायर इंटू आर की पावर फोर। अब देखो बच्चों कुछ सही हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या सही हो रहा है, ये और ये सही हो जा रहा है। ठीक है, इसको इधर लेके क्या आता है, यानी कि माइनस फोर आर स्क्वायर आर की पावर फोर प्लस इधर जाएगा यानी कि ट्वेल्व
आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 9 स्मॉल आर की पावर 6, ठीक है। अब देखो चलिए दोनों सॉल्व होगा, यानी कि 8 आएगा, ठीक है, 12 में से 4 गया 8 आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर 4 इज इक्वल टू 9 आर की पावर 6, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे इरेज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, दो बचेगा, ठीक है ना। यानी कि बच्चों 8 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी कि 8/9 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यह है, ठीक है। अगर एच की बात करें, स्मॉल आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कोन है, उसी तरीके से हाइट ऑफ कोन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आएगा, आर प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे, यानी कि 8/9 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बच्चों अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एच इक्वल टू आर प्लस अंडर रूट एलसीएम ले लोगे 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके आगे अगर आप लोग सॉल्व करोगे, सो कैपिटल आर प्लस ये हमारा क्या होगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन में 9 है बाहर आएगा, यानी कि आर बाय 3 आ जाएगा। इसे बच्चों अगर आप लोग सॉल्व करोगे, एच स्क्वायर टू 4 कैपिटल आर बाय 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया, यानी कि हमें स्मॉल आर स्क्वायर की रेडियस ऑफ कोन भी आ गया और हाइट ऑफ कोन भी आ गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरेज कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं फिर से, ठीक है। क्या था हमारा, 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो ये हमने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। अब देखो बच्चों हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू भी है और हाइट ऑफ कोन की वैल्यू भी है, उसे पुट करते हैं। तो देखो बच्चों 1/3 इंटू पाई, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये लिख देंगे, यानी कि 8/9 आर स्क्वायर। बच्चों हाइट की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 4/3 इंटू आर, ठीक है, ये, ठीक है। अगर बच्चों इसे आप लोग सॉल्व करते हो तो क्या इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 8 आ जाएगा, 8/9 थी 27 आ जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या हमारा, 4/3 इंटू पाई आर क्यू आएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों 8/27, ठीक है ना। और बच्चों हमारा कैपिटल आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हमें वैल्यू दे रखा था, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग चेक करोगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, तो बच्चों एक्स बाई वाई की वैल्यू हमारा क्या आएगा, एक्स बाई वाई की वैल्यू आएगा हमारा 8/27, ठीक है ना। और यही बच्चों आप लोगों का ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब देखो बच्चों साथ में ये भी कह रहा था यहाँ पे कि हमारा कोन का जो वॉल्यूम है वो लार्जर है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। अगर बच्चों आप लोग जो डबल डिफरेंशिएट करोगे और वैल्यू पुट करोगे तो आप लोग ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन होगा वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और जब बच्चों हमारा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब बच्चों वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम आता है, ठीक है। और अगर बच्चों वैल्यू हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमम आएगा, ठीक है। सो बच्चों अगर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे डबल डिफरेंशिएशन तो लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है बच्चों वो लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन 100% आएगा। हाँ बच्चों आप लोग देखने को मिलेगा हैशटैग यही टॉपिक पे आएगा और बाय हरीश सर, ठीक है। हरीश सर ने आप लोगों को बड़े प्यार से समझाया है और बच्चों इस टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चों आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, साथ में ये भी में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई और डाउट है उसे बता देना, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना, काफी इंपॉर्टेंट चीज वहां पे शेयर किया जाता है। टिल देन गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय।